आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। मैं सप्रीत सिंह। मैं ज्योत कौर। मैं प्रिंसदीप सिंह जी। आप सभी का हमारे चैनल प्रिंस पंजाबी ट्रैवलर पर स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं दिल्ली के साइंस म्यूजियम को घूमने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, जो कि कपूरथला रोड पर बनी हुई है पंजाब में, उसे भी देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगेगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस साइंस सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। नेशनल साइंस सेंटर के नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट और इंद्रप्रस्थ हैं, जहां से आप ऑटो लेकर इस जगह पर पहुंच सकते हैं। आइए इस म्यूज़ियम को, इस साइंस सेंटर को घूमते हैं। टिकट प्राइसेस की बात करें तो मैं आपको उसका बोर्ड दिखा देता हूं, फिर हम टिकट लेकर इसके अंदर एंट्री करते हैं। ये है यहाँ की टिकट इंफॉर्मेशन। मैजिक टैप विदाउट एनी सपोर्ट, इससे पानी आ रहा है। पाइप लगा रखा है। सात लाख से ज्यादा दर्शक हर साल इस साइंस सिटी को विजिट करने के लिए आते हैं, इसे एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। आदित्य L1 PSLV XL इंडिया के बेहतरीन स्पेसक्राफ्ट। यहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहां पर डिस्प्ले लगा हुआ है, यूजेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ से आप यूजेस इसके कर सकते हैं। चलते हैं ऊपर की ओर। एक बहुत ही सुंदर सा गेट हमारी एंट्री कर रहा है, धरोहर। इस नेशनल साइंस सेंटर की स्थापना 9 जनवरी 1992 में पीपी नरसिम्हा राव जी ने, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने की थी। यह नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली एशिया के सबसे बड़े साइंस सेंटरों में से एक है। यह साइंस सेंटर नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की एक इकाई है, जिसके अंतर्गत स्थाई यानी 27 विज्ञान केंद्र और साइंस सिटी आते हैं। आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के साथ साथ साइंस और मैथ्स के भी काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ हड़प्पा सभ्यता, ये हमारी एंशिएंट मैप है जिसमें हड़प्पा सभ्यता की चित्र को दर्शाया गया है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता की, ये हड़प्पा सभ्यता के उस टाइम के टॉयज, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हुए, ये सारी जानकारी उसके बारे में दी गई है। कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, क्या क्या उनके व्यवसाय थे, ये बच्चों को रियलिटी में देखने को मिल सकती है। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं प्रैक्टिकली यहाँ देख सकते हैं। ये उनकी मेटल वर्क, पॉटरी शॉप। पंजाबी ट्रैवल में यह यत्न करते हैं कि बच्चों की नॉलेज के लिए हम बातों को शेयर करें ताकि आगे बच्चों को जानकारी मिल सके। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल पे विजिट करें, उनको कमेंट करें और आगे शेयर करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल स्टडी सिर्फ बुक्स पर आधारित नहीं है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल
होना बहुत ज़रूरी है। साइंस में जैसे टीचर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, टॉपिक्स को इजी करने के लिए कोशिश करते हैं, मेरा यह अनुमान है कि साइंस से रिलेटेड नॉलेज पाने के लिए अपने बच्चों, स्कूल स्टूडेंट्स को वकेशंस पर अपने नज़दीकी साइंस सेंटर पर लर्निंग के लिए लेकर जरूर जाना चाहिए, जिससे आपको चीज़ें प्रैक्टिकल समझने में आसानी होगी। नॉलेज भी यहाँ पर गेन करने के लिए मेरे की, क्योंकि मैथ्स भी साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। एशिया इंडियन केमिकल से लेबोरेटरी, देयर इट इज, वी कॉल इट इष्टिका यंत्र, एंड सम ऑफ देयर ऑल लाइक दिस इज रूप यंत्र एंड एक्सेट्रास, दे आर शेपर्स ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी। यस, how do you shape the metal? यहाँ पर आप अपनी बैलेंसिंग को चेक कर सकती हैं, चेक करते हैं कि मेरी मदर यहाँ पर प्रॉपर से वॉक कर पाती हैं कि नहीं। Let's father's turn. देखते हैं कैसे अपना बैलेंस करते हुए जा रहा है। ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਐਂਕਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮੇਰਾ ਗਾਹ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੁੱਲੇ। इस साइंस सेंटर में बहुत सारे गेम्स हैं, जिसमें से एक गेम ये भी है। इसमें आपको एक हैंडल को पकड़कर इस स्पाइरल कॉर्ड में बहुत ही ध्यान से इसे लेके जाना होता है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। पर आपने ध्यान रखना होता है कि जो आपका हाथ वाला हैंडल है वो रॉड से ना टकराए या उसके साथ ना चिपके। मेरे फादर साहब इसे कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे पूरा किया है। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को दिखाते हुए एक स्केलेटन को खड़ा किया गया है, जहाँ पर हमारे सारे जॉइंट्स, हमारी सारी बोन्स को दिखाया गया है वे कैसे कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आकर हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जॉइंट्स कैसे दिखते हैं, हमारे हाथ की फिंगर्स टोस कैसे होते हैं, हमारे लंग्स में कौन कौन सी जो हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं। Patience, you need me, I know that you've been waiting, dial my number twice, promise
pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. यहाँ पर आप देख सकती हैं ये टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को इस एक्टिविटी को करवा रही हैं और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी इस एक्टिविटी को बहुत ही इंजॉय के साथ इंजॉयफुली परफॉर्म कर रहा हूँ। मेरी फादर भी आज स्कूल मूड में आए हुए हैं और मेरी मदर भी यहाँ पर बहुत ही खुश है और बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट और परफॉर्म उन्हें कर रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इसे अपने सर्कल में सभी को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन इस साइंस सेंटर के बारे में मिल सके। इस जगह पर बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के मॉडल्स को बनाकर रखा गया है जिन्हें आप देखकर उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल और भी बहुत सारे। हमारे इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो पहले भी यूज़ होते थे और ज़्यादातर आज भी क्लासिकल म्यूज़िक में यूज़ होते हैं, लाइक ढोलक एंड वीणा। ये 500 साल पुराने मेटल्स यहाँ पर भी दिखाया गया है, जैसा कि पुष्पा गुजराल साइंस सिटी में। अगर आपने ब्लॉग देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, वैसा ही है पर थोड़ा सा एडवांस हम ऐसे बोल सकते हैं। लुकिंग डेप्थ ऑफ द लाइफ। Our bodies are made of organs, which are made of tissues, which in turn are made of cells. Carbon of the key of the life. औषधि वनस्पति उद्यान हर्बल गार्डन है ये, जहाँ पर आप प्लांट्स रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। Yeah.
हम सब ने मिलकर विजिट कर लिया है साइंस म्यूजियम दिल्ली को। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक नई प्लेस पर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।